चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 5 स्टडी करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले डायग्राम के थ्रू इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। देखें जरा, जो हम लोगों ने थ्योरम नंबर 4 स्टडी किया था, थ्योरम नंबर 4, ये थ्योरम नंबर 5 बेसिकली कन्वर्स है थ्योरम नंबर 4 का। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स निकालने से थ्योरम नंबर 5 बनता है। कन्वर्स का मतलब है ऑपोजिट है। थ्योरम नंबर 4 का जो गिवन था वो आज के इस थ्योरम नंबर 5 के टू प्रूफ के नीचे आ जाएगा, और थ्योरम नंबर 4 का जो टू प्रूफ था वो थ्योरम नंबर 5 का गिवन बन जाएगा। तो किसी एक थ्योरम के गिवन और टू प्रूफ को इंटरचेंज करने से जो रिजल्टिंग थ्योरम बनता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्स। इस थ्योरम में आपके पास दो कॉर्ड्स होंगी, इनको हम लेबल कर लेते हैं, फर्स्ट को कॉर्ड ए बी एंड सेकेंड को कॉर्ड सी डी। अब आज के इस थ्योरम में आपको गिवन होगा कि ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इन दोनों का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो सेम है। अगर फर्स्ट कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस ओ एच लें, सेकेंड कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से ओ के लें, तो आज के इस थ्योरम में आपको गिवन है कि ओ एच एंड ओ के आर कॉन्ग्रुएंट, और आपने प्रूव करके दिखाना है ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, यानी वो दो कॉर्ड्स जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती हैं लेंथ वाइज उनको सेम प्रूव करके दिखाना है। इसकी स्टेटमेंट की वर्डिंग है प्रूव दैट टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की ऐसी दो कॉर्ड्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से सेम एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रही हो, दे आर कॉन्ग्रुएंट, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाएं। फिर हमारे पास गिवन, गिवन में सब इसका गिवन जो है वो प्रीवियस थ्योरम नंबर 4 के गिवन जैसा है ऑलमोस्ट, सिर्फ एक बात का डिफरेंस है। यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 में आपने इक्वल का जिक्र किया था, कॉर्ड्स के पीछे इक्वल का वर्ड लिखा था, या तो यहाँ पे इस थ्योरम में इक्वल का वर्ड नहीं आएगा। जस्ट आप लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स प्रूव आपने यहाँ मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो हमने प्रूव करके दिखाना है ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये हमारा टू प्रूव है, इसलिए गिवन के नीचे इक्वल का वर्ड नहीं आएगा विद सेंटर ओ। उसके बाद हम बताएंगे, ये बात भी हमने प्रीवियस थ्योरम में भी मेंशन की थी कि ओ एच इज परपेंडिकुलर ऑन टू ए बी, ये जो ओ एच है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। सिमिलरली ये जो ओ के है ये परपेंडिकुलर है ऑन टू सी डी। ये परपेंडिकुलर का जिक्र हमने क्यों किया, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम में हमने सीखा था कि सेंटर से निकलने वाला परपेंडिकुलर अपने सामने आने वाली कॉर्ड की बाईसेक्शन किया करता है। तो उस बाईसेक्शन के रिजल्ट को, उसकी कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए हमने गिवन की हेडिंग के नीचे परपेंडिकुलर की कंडीशन मेंशन की। इन एडिशन यहाँ एक एक्स्ट्रा बात है जो थ्योरम नंबर 4 में नहीं थी, कि यहाँ पर आपने, आपको गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, यानी ओ एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ के, ये भी आपने मेंशन किया। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रूफ, जैसा कि मैंने बताया वी नीड टू प्रूव दैट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। और कंस्ट्रक्शन में ये जो आपके पास है पॉइंट ओ, इसको आपने ए और सी दोनों के साथ ज्वाइन कर देना है। कंस्ट्रक्शन जो है वो इन दोनों थ्योरम्स की हर लिहाज से बिल्कुल एक जैसी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने सेंटर ओ को ए के साथ भी ज्वाइन किया और पॉइंट सी के साथ भी ज्वाइन कर दिया। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ज्वाइनिंग्स आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिली ओ ए एच एंड ओ सी के। अब आपने इसके प्रूफ का जो प्लान है, जो मेथडोलॉजी है, उसमें आपने क्या करना है, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को आपने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। जब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। अब प्रूफ पे आते हैं हम इस थ्योरम के। सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं ए बी सॉरी ए एच ओ एंड सी के ओ, इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना है। तो इनकी करेस्पॉन्डेंस लिखी, इन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन राइट एंगल ट्राई एंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के, आप देखें जरा इनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इक्वल हैं। पहले डायग्राम के ऊपर देख लेते हैं, ओ एच इज इक्वल टू ओ सी बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और एक ही सर्कल के अंदर पाए जाने वाले तमाम रेडियाई इक्वल होते हैं। उसके बाद हमें गिवन है कि ये जो बेस है ओ एच वो इक्वल है दूसरी करस्पॉन्डिंग बेस ओ के। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं दोनों, इसका एच करस्पॉन्डिंग एच के इक्वल हो गया, इसकी साइड करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी। तो एच एस थ्योरम के मुताबिक दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इन बातों को यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने लिखा हाइपोटेन्यूज ओ ए ओ सी आर इक्वल,
बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और ओ एच ओ के इक्वल है, ये बात हमें गिवन थी। तो एच एस थ्योरम को यूटिलाइज करते हुए, उसकी कंडीशन को फुलफिल करवाते हुए, हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट लिख दिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रेंट होंगी, ए एच कॉन्ग्रेंट टू सी के। रीजन में जरूर मैंशन कीजिएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। इसे हमने इक्वेशन नंबर वन के तौर पर लेबल किया। उसके बाद हमें पता है कि ए एच इज हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, सेंटर से आने वाला ये जो परपेंडिकुलर ओ एच होता है वो ए बी की बाई सेक्शन करता है, ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सच दैट ईच पार्ट इज हाफ ऑफ द पेरेंट लाइन सेगमेंट ए बी। यानी अगर ए बी की मेजरमेंट को टू पे डिवाइड किया जाए तो रिजल्टिंग मेजरमेंट ए एच बनती है। तो हमने लिख दिया ए एच इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई टू। रीजन में बता दिया, बिकॉज ओ एच परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के ऊपर, तो सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड की बाई सेक्शन किया करता है। सिमिलरली सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए हमने कहा कि चूंकि ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, देयर फोर ओ के विल बाई सेक्ट सी डी, और एज अ रिजल्ट जब आप सी डी को टू पे डिवाइड करोगे तो रिजल्टिंग लाइन सेगमेंट, रिजल्टिंग मेजरमेंट किसकी होगी, सी के की। इस बात को भी मेंशन कर दिया, सिंस ए एच इज इक्वल टू सी के, ये हमने ऊपर प्रूव किया था पार्ट वन के अंदर, ठीक है। तो अब आप जरा देखें, वैल्यूज डाल देते हैं, यहां से ए एच इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, तो इस ए एच की जगह हम लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी, और सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, तो इस सी के को रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ सी डी के साथ। तो ये रिप्लेसमेंट के बाद ये रिजल्टिंग इक्वेशन बनेगी। आप देखें, ए एच को हाफ ऑफ ए बी से रिप्लेस किया, सी के को हाफ ऑफ सी डी से रिप्लेस। अब ये जो नंबर्स हैं 1/2, 1/2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी, हेंस प्रूव्ड।